इस मुल्क को बचाने के लिए मैंने अपनी माँ गंवा दी, और जितना मतलब जो टाइम मुझे अपनी माँ को देना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चारा घर अभी हसरतों के दियार में, वही शाम शहर फिराक है। मेरी हसरतें हैं लहू लहू, मेरे ख्वाब रोते हैं कूबकू। आज हम आपके सामने मुल्क खुदादाद की एक ऐसी बेटी लेकर आए हैं जिसकी सिसकियां और आंसू आपको भी रुला कर रख देंगे। जरा देखिए उसकी ये मुख्तसर सी वीडियो। इस मुल्क को बचाने के लिए मैंने अपनी माँ गंवा दी, और जितना मतलब जो टाइम मुझे अपनी माँ को देना चाहिए था वो सारा टाइम मैंने अपने मुल्क को दिया, अपने डिपार्टमेंट को दिया। जिस जगह मुझे मेरी माँ को मेरी जरूरत थी, तो उस वक्त में मैं अपनी माँ को घर में अकेला छोड़ के मैं ड्यूटी पे जाती थी। तो ये एक ये चीज जो है वो शायद कभी इस कमी को कोई पूरा ना कर सके, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी माँ शायद पाकिस्तान की कई माओं को बचाने के लिए गवाया। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से यही उम्मीद है कि मेरी माँ उस जहान में जरूर अच्छी रही होंगी, क्योंकि मेरी माँ अगर ना होती तो शायद पाकिस्तान को राफिया ना मिलती। इस मुल्क की खिदमत करते करते हमारे इन फौजी भाइयों और बहनों ने अपने कितने ही प्यारे खो दिए हैं। कितने ही फौजी जवान ऐसे थे जो अपने प्यारों को हमेशा के लिए दागे मुफारकत दे गए हैं, अपने बच्चों के सरों पर ताजे यतीमी सजा गए हैं, अपने माँ बाप बहन भाइयों को हमेशा के लिए रोता छोड़ गए हैं, और इस सब के बावजूद भी चौकीदार चोर है के नारे इन्हें सुनने पड़ते हैं। सारा बजट खा जाने के ताने इन्हें सुनने को मिलते हैं, और हमारी ये बेलौज खिदमतगार हैं कि ये सब कुछ सुनने के बाद भी हम पर अपनी जानें निछावर करने को हरदम तैयार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मोहसन कशों को पसंद नहीं फरमाते। अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कीजिए। अल्लाह हमें इनकी कदर जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन।